चार किलोमीटर तक पानी नहीं मिलने वहाँ पे। ये लास्ट है 4 किलोमीटर पहले का पंप है। फाइनली दोस्तों अभी लकड़ी पे खाना बना रहे हैं तो बर्तन तो मुझसे धुलवाएगा, मुझे पक्का विश्वास है। ये बहुत अच्छी है। रास्ते में लगाएंगे अपना ठेला क्या, देखो क्या सी आटा गूंद भी, आटा भी रेडी हो चुका है और प्लस अपना आलू पराठा का मसाला भी रेडी हो चुका है, बस बनाना है और खाना है जल्दी। श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे आप लोग, बढ़िया? हम भी है बढ़िया। तो फाइनली आपको भाई को घर से निकले हुए आज 48 दिन हो चुके और अभी मैं पहुंचा हूँ, पता नहीं कौन सा गाँव है भाई, हमको पता नहीं, बस जंगल में हूँ। तो अभी मैं केदारनाथ की यात्रा पे स्टार्ट कर चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ पहले बूढ़ा केदार, उसके बाद जाएंगे हम लोग केदारनाथ। तो भाई आप लोग एक्साइटेड हो ना, क्योंकि बूढ़ा केदार भी माना जाता है कि यदि आप बूढ़ा केदार दर्शन कर ले तो पंच केदार दर्शन कर सकते हो, ऐसा माना जाता है भाई। तो इतने रास्ते में ही पड़ते हैं बूढ़ा केदार, तो 28 किलोमीटर बस हम लोगों को एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो कोई नहीं भाई, 28 किलोमीटर क्या बात है, दिन क्या है तो कितना से कितना चल देते हैं। तो 28 किलोमीटर के लिए नहीं जा सकते दर्शन कर लेके, वो भी भोलेनाथ का दर्शन करने नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोग बूढ़ा केदार पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे केदारनाथ। तो वीडियो के साथ बने रहे। और अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 10 बज गए भाई, 10। और सीन चेक करो भाई, बाहर के मतलब इतने सुंदर व्यू है कि पूछो मत। और भाई सुबह सुबह ना कौशिक भाई ने गर्मा गर्म चाय बनाया, तो चाय के साथ बिस्किट भी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए ना भाई। बिस्किट भी है, देखो भाई बिस्किट भी है, कौशिक भाई है ना तो भाई अपना पूरा ख्याल रखता है ना भाई। क्या कहना चाहोगे भाई? कुछ नहीं, बस मुझे अभी आज खुश क्यों लग रहे हो? खाना खाते हैं। आज राज क्या है, आज खुश क्यों लग रहे हो पहले बताओ। सुबह सुबह एक ने आई लव यू बोल दिया। अरे वाह, अरे वाह, काश मेरा भी किस्मत ऐसा होता भाई, इसका तो मजे ही मजे। महादेव की कृपा होगी, महादेव की कृपा, मेरे बस महादेव की कृपा चाहिए। उसके बाद आधे घंटे में ब्रेकअप का भी मैसेज आ गया। अच्छा, ब्रेकअप का भी मैसेज आएगा, चाहिए तो लॉन्ग टाइम वाले चाहिए। चलो चलो अभी चाय पीते, जस्ट देख रहे लाल चाय, आप लोग बोलोगे ग्रीन चाय, चाय हम बोलते हैं लाल चाय। चलो लाल चाय पीते हैं भाई, कौशिक भाई मीठा बहुत पीते हैं इसीलिए थोड़ा इसका टेंशन है मेरे को बस। चलो मिलते हैं दोस्तों। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद भाई कैसे आवाज़ है ना, बहुत ही सुंदर सुनाई दे रहा है। गाड़ियाँ बहुत कम चलते हैं और हम तीनों भाई चले जा रहे हैं भाई, थक भी बहुत जाते हैं यार, खाड़ी चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, एक भी डाउन नहीं है जो थोड़ा दूर भी साइकिल चला सकूं, ऐसा है बट चढ़ाई चढ़ाई। चलो कोई नहीं, हर हर महादेव, बने रहे वीडियो के साथ। अरे दोस्तों ये पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे भाई, मतलब इतने ऊपर आ गए जैसे लग रहे बादलों के ऊपर है। और इधर देखो बादल सारे आ चुके हैं माउंटेन के ऊपर, और भाई जैसे लग रहा है पानी चूस रहा हो। कहते हैं ना पहले बचपन में लोग कहते थे कि बादल पहाड़ों पे जाते हैं और नीचे से पानी चूसता है, फिर ऊपर जाते फिर बारिश होता है। मुझे वही पता, आप लोग क्या लगता है कमेंट करके बताना। जैसे कि वो सामने देखो वो पहाड़ पे ना सारे बादल मतलब चराव कर रहे, जैसे कुछ ले रहे हो ऐसा लग रहा है, तो देख रहे हो। और ये है खूबसूरत, तो भाई हम लोग कहीं उधर से आए पता नहीं, अब मैं रास्ता भी भूल गया कि किधर से आया था, बट भाई मज़ा तो आ रहा है भाई, खूबसूरत वादियों हो ऐसे भाई। पहाड़ों में आके चल रहा है शॉपिंग, पता है खाने के लिए सामान सारे लिए हैं, अभी आलू ले रहे हैं क्योंकि पहाड़ों में ना कम दुकान मिलते हैं, बहुत ही कम, गांव मिले तभी दुकान मिलते, नहीं तो नहीं मिलते हैं। इसलिए ना आलू पराठा में मिर्ची नहीं रहेगा तो फिर कैसे मज़ा आएगा, है ना। चलो देखते हैं कितना सम्मान होता है, कितने का हुआ देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों 4 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलने वहाँ पे, ये लास्ट है 4 किलोमीटर पहले का पंप है। और पंप भी देख रहे हो कैसा वाला पंप है, ऐसा पंप है ये, बट आगे 4 किलोमीटर पानी नहीं है तो अभी ले लेते हैं, क्या पता रास्ते में खाना बनाना पड़ जाए, इसीलिए पानी स्टॉक करना ज़रूरी है। चलो ज़्यादा रही नहीं, ये जगह जो ऐसा जगह है ना जो कि समझो कि वो पुराने जमाने का दशक का जगह है। ये देख लो अभी भी लोग गाना सुन रहे हैं फोन रेडियो पे, समझ रहे हो ना, यहाँ नेटवर्क नहीं है ना लाइट है भाई, लोग रेडियो का आनंद ले रहे हैं, पुराने गाने सुन रहे हैं भाई, ये अच्छा लग रहा है उनको, मज़ा आ गया। फाइनली दोस्तों अभी लकड़ी पे खाना बना रहे हैं तो बर्तन तो मुझसे धुलवाएगा, मुझे पक्का विश्वास है, ये बहुत अच्छी है। तो उसके पहले ही कुछ हो उससे पहले ही मैं अपना जुगाड़ कर लेता हूँ कि
करखा लगे ना ज़्यादा। फाइनली दोस्तों अपना आग जल चुका है और ये मैंने इसका तैयार कर दिया ताकि ये करखा धोते टाइम में उतना करखा ना लगे बर्तन में। और कुछ सिखवा इधर है, चलो बनाते हैं फटाक से। किसने जलाई वो बता देना पहले। आग मैंने जलाया। हाँ बताओ भाई, तुम जलाने गए तो जला जला। तुम क्या बोले थे गैस पर जलाना पड़ेगा। गैस क्यों जलाना पड़ेगा भाई, जब गैस है ही नहीं तो जलाना क्यों पड़ेगा। अब मुझे लकड़ी ढूंढ के लाना है यार, लकड़ी इसमें डालो ना वो वाला जो उठाने लकड़ी वो मोटा वाला, ये वाला डाल दो ऊपर से। ये गीला है यार। अरे सूख जाएगा तो तुम डालो तो हुआ करेगा भी डाल। अरे एक बजे लग जाएगा ना तो जरूरत नहीं पड़ेगा, वो तो धुआं करेगा। ये छोटा वाला नहीं डालना, छोटा वाला डालना। ये वाला डालो ना, इसे डालो ना, इसे भी इसे देखते हैं। अरे लग जाएंगे थोड़े, इतने सारी लकड़ी पड़ी हुई है थोड़ी सी। फर्स्ट बन रहा चाय, उसके बाद चाय और बिस्किट सब है अपने पास तो खाएंगे भाई। जैसे क्लीन है वैसे क्लीन करके जाएंगे, ऐसा नहीं बोलना कि भाई कचरा करके जा रहा है, जैसा वैसे करके जाएंगे है ना भाई। हाँ और बनता है उसके बाद खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि कहीं पे भी हमको खाना रुकने को मतलब खाना बनाने के लिए तो रुकना ही पड़ता है। इसीलिए हम सोचे कि चलो यहाँ पे पानी का व्यवस्था है, आराम से बनाएंगे। अब 4 किलोमीटर के बाद सीधा डाउन है, यानी कि मुझे जहाँ से टर्न लेना वहाँ तक पूरा डाउन ही डाउन है। तो फिर डाउन में क्यों खाना रुकना, क्या सीधा चलते ही रहना। आज शाम तक कोशिश करेंगे बूढ़ा केदार पहुँच जाए ना, तो उसके बाद तो पहुँच ही जाएंगे सूर्यप्रयाग। चलो देखते हैं। तो फाइनल दोस्ती अपना ग्रीन टी रेडी हो चुका है, देख रहे हो ग्रीन टी है ना, ग्रीन टी नहीं है अरे ब्लैक टी है। चलो पीते हैं, अपना इसमें पीना पड़ेगा भाई, अपने पास कटोरा ही नहीं है। अब कटोरा है तो मेरे बैग में है, अब उसको चाय पीने के लिए जाओ निकाल ले, इसलिए इसी में पीते हैं है ना। चलो पीते हैं भाई, अपने सुबह के साथ चाय और रस के साथ ब्रेकफास्ट हो रहा है भाई। तीनों भाई साथ में कर रहे हैं, देख रहे हो भाई मज़े में दबाए जा रहे हैं चाय। चलो हम भी पीते हैं अभी, मेरे और दुआ रहा है यार। फाइनली दोस्तों अपना रेडी, आटा गूंद भी, आटा भी रेडी हो चुका है और प्लस अपना आलू पराठा का मसाला भी रेडी हो चुका है। बस बनाना है और खाना है, अब जल्दी से निकलना है यार, बहुत हम लोग लेट कर दे रहे, पता नहीं क्यों, कितना भी जल्दी करूँ फिर भी लेट हो ही जाता है भाई। कोशिश बजाय भाई की वजह से हो रहा है, पता है हमेशा लड़कियों से बात करने में लग जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता यार, ट्रैवल कर रहे हो लड़की से बात कर रहे हो अच्छा नहीं लगता ना। देख फोन के नेटवर्क्स दिखा दो ना, कितना कितना नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे भाई, फुल टावर है। हाँ टावर तो दिखा दो, कितने टावर है यहाँ पे भाई, देखो कितने मस्त मसाले बन गए हैं ना। चलो बहुत ही बढ़िया। फाइनली दोस्तों अपना पराठा रेडी हो चुका है, जो कि एक डाल दिए हैं एक है, बस आग का बराबर नहीं लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई। चलो कोई नहीं, हो जाएंगे जल्दी जल्दी हो जाएंगे भाई, बहुत टाइम लेता है आलू पराठा। आज के बाद अब आलू पराठा नहीं बनेंगे, जिस दिन पूरा दिन रुकेंगे उसी दिन आलू पराठा बनेंगे, उससे पहले नहीं बनेंगे अब भाई, इतना टाइम बहुत टाइम लगता है ना, इसलिए एक में बेल के रखा हूँ एक उस पर, देख रहे हो पूरा आलू का फीलिंग पूरा फुल है भाई। दोस्तों ये है लास्ट पराठा आज का, और इतने सारे बना चुके हम लोग, और बाबा भी आए हैं तो साथ में मिल के प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। चलो भाई मिर्ची दे दो फटाक से, मतलब चना रात में भिगोए थे तो उसको भी थोड़ा फ्राई कर ही देते हैं, क्यों आप उसको क्या लेके घूमते रहे फिर, इसलिए उसको भी फ्राई कर ही देते वो सामने। फाइनली दोस्तों अपना खाना बन के रेडी हो चुका है, देख रहे हो पराठा है और घुघनी है, बहुत मेहनत लगा बनाने में, करीब 3 घंटा लगा, और सारे लोग भाई लोग और बाबा भी अपने साथ है आज का लंच में। चलो खाते हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं खाने में, मज़ा ही आएंगे, टेस्ट करके देखो। हाँ चलो सीज गया है भाई, बहुत सारे हैं, बहुत है बहुत है, लेना है ठीक है। बाबा के लिए पहले निकाल दो, नहीं निकल गया, बस नहीं पाऊंगा पूमा है पूरा, नहीं नहीं बाबा नहीं पाता हूँ जगह नहीं ज़्यादा पानी दो उसको ले। चलो
ये भी हमारे साथ आए, बाबा के साथ आए थे, तो इनका भी हिस्सा निकला है खाने के लिए, है ना, क्योंकि सब भोलेनाथ का प्रसाद है। चार चार पराठे आ रहे हैं सबको, ठीक है बाबा जी, और लेना है। ठीक है, चलो खाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। फाइनली खाना खाने के बाद अब अपडेट दे रहे हैं भाई, इतना अच्छा खाना बना था ना, दवा के खा लिए और हम लोग सो गए भाई। अब बज रहे हैं दिन शाम के 3, एक बार पीछे चल रहे हैं भाई, यदि नहीं उठाते ना ये लोग एक घंटा और सो जाते है ना। यार मैं देख रहा हूँ 3 बज गया, ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहा भाई। नहीं जाए चलेंगे फिर पहुँचेंगे कैसे, 5 किलोमीटर में दिन भर में चले हैं, बस खाएंगे और एक ही जगह पर रहेंगे, नहीं नहीं आगे भी चलना है, इसलिए अभी तक और कोई रेस्ट नहीं, सीधा चलते रहो, मैं ही थक जाता हूँ ना पहले, इसलिए मुझे ये सबको लेके चलना पड़ रहा है। रास्ते कुछ इस प्रकार से चढ़ाई चढ़ाई, बट एक हाथ से संभाला नहीं जाता। फाइनली दोस्तों ऐसा लग रहा है ना कि हम सबसे ऊपर है पहाड़ के, वो भी नीचे लग रहा है, बस ये पीछे वाले पहाड़ दिख रहे हैं ना, यहीं तक पैदल जाना, उसके बाद थोड़ा डाउन मिलेगा, तो आराम से देखते हैं। भाई इस पहाड़ के समझो कि ऊपर ही आ गए, और उस कोने के पास से उस साइड जाना यार, मतलब कितने पहाड़ क्रॉस कर दिए कोई ठीक नहीं है। अब चलना है बाबा की नगरी भाई, जैसे ही डाउन आएगा थोड़ी आराम मिलेगा भाई, ये 2 दिन से हम लोग पैदल चले जा रहे हैं यार। चलो निकलते हैं, चौरंगी खाल पहुंच गए, और ये पहुंचने में करीब 2 घंटा लगा भाई, 4 किलोमीटर यानी 2 घंटा। भाई यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पर चौरंगी खाल का काफ़ी अच्छा है भाई, उसका पैर कट गया पता नहीं कहाँ पे। निकलेंगे यहाँ से, जो कट लिया था ना, और भाई इतने मतलब थे बना दिए यहाँ पे सारे लोग, अभी वो इतना डर गया था, उसको डर था कि जोंक अंदर घुस गया, बट जोंक काट के निकल गया था, बट सब डर गए थे, भाई डर गया था ज़्यादा, तो उसको मतलब पट्टी सब कर दिया पैर में, बट कोई नहीं। तो फाइनली दोस्तों जो 20 किलोमीटर है ना वो हम लोगों को जैसे तैसे पार करना ही करना है भाई, धनतोड़ी तक जाना है, धनतोड़ी तक जाना है भाई, और ये 20 किलोमीटर बोल रहे हैं गाँव वाले कि बहुत डेंजर है, इसमें रुकना मत समझ रहे, रुकना मत मतलब कुछ तो डेंजर है, वो डराना नहीं चाह रहा था बट बोल रहा था कि रुकना मत। तो फाइनली दोस्तों पूरे जंगल है पूरा भाई, देख रहे हैं रास्ते, बस आगे ध्यान देके चलाना पड़ता है, नहीं तो नजर हटी घटना घटी है। तो भाई ये गांव चेक करो, तो फाइनली दोस्तों केदारनाथ 190 किलोमीटर, श्रीनगर 108 किलोमीटर, लंबगांव 15, और हम लोगों को बूढ़ा केदार जाना है जो कि 34 इस ए वाले रास्ते पे जाना है। तो चलो निकलते, भाई भी आ गया, अरे भाई कहीं आगे नहीं निकल बूढ़ा केदार बोलते आसान है, ठीक है आसान नहीं है, अभी हम लोग जंगल में रुक भी नहीं सकते, बढ़ते रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत डेंजर है यार, दूर दूर तक कोई घर नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर बाद घर है, गांव है, तो हम लोगों को आज कैसे भी उस गांव में जाना है, जंगल में नहीं रुक सकते हैं, समझ रहे हो ना। चलो बहुत बुरा हाल, थक गया यार, धनु भी थक गया आज, धनु का ब्रेक खत्म हो गया, बिल्कुल ब्रेक नहीं है यार, यदि ब्रेक ना हुआ ना पक्का मैं किसी को ठोक दूंगा, ऐसा समझ लो। तो फाइनली दोस्तों रात के करीब बज रहे हैं 10, और भाई अब भी जाके हम लोग खाना बन रहा है, सब्जी बन चुके हैं, बस रोटी बना रहे हैं, और भाई रोटी हम बना रहे हैं, बताओ कौशिक भाई रोटी कैसा बन रहा है? बहुत ही बढ़िया।
सच सच बताना भाई। बहुत ही बढ़िया, दवा खोल दे, खोल दो खोल दो, दवा चलेगा। कल हम ऐसे ही सोच रहे हैं, कल सोचते हैं, कल भाई अपना ढाबा खुलेगा तो सब भाई सभी लोग आ जाना, ओपनिंग है कल ढाबा का, रास्ते में लगाएंगे अपना ठेला। क्या देखो कैसे रोटी फूल रहती है, ऐसा फूलता था पहले कौशिक भाई आपका? नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं आता, हम तो बस जब से निकले तब से खाना बना रहे हैं, हम बनाते ही नहीं है। फाइनली दोस्त अपना खाना रेडी हो चुका है और सारे भाई लोग खा रहे हैं। कैसा भाई? बढ़िया भाई, तीखा कर देता यार, मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है भाई, ये तीखा कर देता। चलो खाते यार, आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हर हर महादेव, जय श्री राम।